हेलो जी, की हाल चाल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी शादियों की जिसमें कुछ अलग होता है, जिसमें कुछ हटके होता है। जैसे बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। यार, इस गाने के लिरिक्स इस वीडियो के हिसाब से एकदम उल्टे हैं। इस गाने के बोल कुछ इस प्रकार होने चाहिए थे। बहारो फूल मत बरसाओ, क्योंकि मेरा महबूब खुद ही फूलों का गुलदस्ता बन के आया है। मतलब यार, तो फूलों में लिपट के कौन जाता है अपनी शादी में? और मैं दूल्हा है, अरे फूलों की दुकान है। अबे ओ मनिया, ओ गुल्लू, देखिए जरा चादर मोड़ को, देखिए कैसे फूलों में लिपटा पड़ा है वो। अब देखिए इसकी, देखिए। अरे ठंड रखो, मैं बताता हूँ तुम्हें इसके पीछे का रीजन कि क्यों इस दूल्हे को सरेआम फूलों में लपेट के इसकी शादी में ले जाया गया। देख बे हरिया, यो कमरा तुझे ऐसे सजाना है। हाँ बताओ तो कैसे सजाना है। चल छोड़, जैसे तेरा मन करे वैसे सजा दे, बस शाम तक सजा दिए स्वागत से पहले। अच्छा चलो ठीक है। कमरा ऐसा सजाओ कमरा देखता ही भाभी का मूड बन जाएगा एकदम। ये शरारती हो रही है लौंडा, शरारती। अरे कहाँ यार, कभी कभी कर लेता थोड़ी बहुत आपके साथ। अबे ओ छेरा, अबे छेरा सुनिया। क्या कह रहे हो साहब जी? शेरवानी कहाँ मेरी? प्रेस करी नहीं करी उस पे? वो साहब जी मैं कभी कोई काम टाइम पे करो ना करो, चल जल्दी जा प्रेस करके लेके आ उस पे। तैयार होने का टाइम हो गया मेरा, और वो भोसड़िया घोड़ी वाले भी आने वाला होगा, जल्दी जा प्रेस करके लेके आ। वो ना साहब जी क्या कह रहा है, इतना क्यों सर मारिया? नहीं नवेली दुल्हन है तू, चुपचाप बोल के कह रहा। मैं प्रेस कर रहा था शेरवानी पे, तभी अचानक से मेरी आंख लग गई और शेरवानी जल गई। आ रहा हूँ, क्या कह रहा था? और अब तुम मुझे ये बताओ कि शादी में सबसे ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करने वाला कौन होता है? शराबी लोग, जो शराब पी के उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। ना तो फिर दूल्हे का फूफा। ना अच्छा तो लड़की के मामा के तहेरे चाचा का सुतेरा बेटा। ना अरे तो फिर कौन होते हैं? हाँ छोटे बच्चे। अरे नहीं यार, बच्चे नहीं, मादर बच्चे। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी हो रही हैं। सबसे पहली बात, ये बच्चा घोड़े की पूंछ पे लटक के करना क्या चाह रहा है? अपनी रामकली उसकी रामकली से भिड़ा के करना क्या चाह रहा है? ये बिना ये सोचे कि अगर गलती से भी घोड़े ने पात दिया या हग दिया तो ये कहां जाके गिरेगा? अंदाजा भी नहीं है तुम्हें और इसे इस बात का। और यार दूसरी बात, इसे कोई रोक क्यों नहीं रहा है? इतने सारे लोग खड़े हैं आसपास। अगर तुम्हें पता है, मैं अपने बचपन में ऐसी हरकतें करता ना, मेरे माँ बाप मुझे उठा के कचरे के डब्बे में फेंकाते, कभी भी नहीं लेके आते फिर। और ये इतने सारे लोगों के सामने पता नहीं घोड़े की पूंछ के साथ क्या करना चाह रहा है? नहीं, घोड़े की मारना चाह रहा है शायद ये। और तीसरी और सबसे भयंकर बात, कि इस घोड़े को खाट पे क्यों खड़ा कर रखा है? गौर से देखो, खाट पे खड़ा है वो घोड़ा। नहीं, ये घोड़ा खाट पे खड़ा क्यों है? नहीं, जरूरत क्या थी इस घोड़े को खाट पे खड़ा करने की? नहीं यार, तुम जानवरों के साथ ऐसी बकचोदी नहीं काट सकते। इंसानों के साथ जितनी बकचोदी काटनी है काट लो। मैं जानवरों से प्यार करता हूँ, मेरे भाई जैसे हैं। कंट्रोल धीरू कंट्रोल। हो सकता वो कोई रसम हो जिसमें जब तक घोड़े को खाट के ऊपर खड़ा करके एक बच्चा उसकी पूंछ पकड़ के ना लटके, तब तक शादी पूरी ना मानी जाती हो। अरे नहीं यार, तेल लेने गई ऐसी रसम सांडे का। ठीक है, मेरे लिए भी मंगा लियो थोड़ा सा। और अब ये वीडियो कमजोर दिल वाले ना देखें, क्योंकि ये वीडियो इतना खतरनाक है। हो सकता है तुम्हारा अपना दिल तुम्हारी अपनी छाती फाड़ के बाहर निकल आए। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये डांस है तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि देसी के दो पैक के बाद तो 80 साल का बुढ़ा भी कूद उठता है, ये तो फिर भी 20 या 30 का है। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये बाबा रामदेव का कोई नया योग आसन है,
तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि आजकल बाबा रामदेव को देखता कौन है, सबको तो बाबा राम रहीम बनना है। अगर तुम सोच रहे हो ऐसा डांस करके तुम लड़की पटा लोगे, तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि इससे अच्छा डांस तो हमारे गांव का अच्छू हलवाई करता था। लेकिन फिर भी उससे पहले लौंडिया तो कल्लू के लौंडे नहीं पटाई, और रज्जू आज भी सिंगल है। अगर तुम सोच रहे हो कि ये मिर्गी का दौरा है, तो शायद तुम थोड़े सही हो। अगर तुम्हें इसे देख के लगता है कि इस पे माता आई है, तो शायद तुम सही हो। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये तुम्हें अपने शरीर पे साबुन लगाने का तरीका बता रहा है, तो तुम एकदम सही हो। और इसी के साथ तुम जीत चुके हो 2 रुपए का इनाम। देवी और सज्जनों, इनके तालियां हो जाए, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। हे गाइस, इट्स मी धीरू मांचिक। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, कमेंट करो, बताओ कैसा लगा। और अगर तुम्हारे पास भी ऐसी किसी वीडियो का लिंक है जिस पे तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट में लिंक सेंड करना। और चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी सेंड कर सकते हो। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो लाइक करना मत भूलना प्लीज़।